स्वतंत्रता दिवस से चार दिन पहले रायपुर ने रचा कीर्तिमान, 2 लाख लोगों ने एक साथ वंदे मातरम गाकर बनाया अनोखा रिकॉर्ड। फर्जी दस्तखत मामले में आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा राज्यसभा से निलंबित, लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा प्रधानमंत्री मणिपुर पर हंसकर बोले ये नहीं देता शोभा। विराट कोहली इंस्टाग्राम से सबसे ज्यादा कमाने वाले भारतीय, एक पोस्ट से 11 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई। ओपनिंग डे पर रजनीकांत की फिल्म जेलर ने कमाए वर्ल्ड वाइड 72 करोड़ रुपए, 2023 में अब तक फर्स्ट डे पर सबसे ज्यादा कमाने वाली बनी तमिल फिल्म।